डायरेक्टर या व्हाट इज अ डायरेक्टर, इसका मीनिंग डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11 सेक्टोरियल प्रैक्टिस का जो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं व्हाट इज अ डायरेक्टर। यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है 2 सबसेक्शन 34। ये 2 सबसेक्शन 34 कंपनीज एक्ट 2013 का है, पुराना जो कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 था। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो ए बी और सी डायरेक्टर है, ठीक है ना, ये तीनों मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तीनों को जोड़ दिया जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल लेवल पे ए या बी या सी को क्या बोलेंगे? सिर्फ डायरेक्टर बोलेंगे। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 क्या बोलता है? डायरेक्टर कौन है जो कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप है उसमें जिसको अपॉइंट किया गया है। क्यों अपॉइंट किया है? कंपनी को मैनेज करना, डायरेक्शन देना, अफेयर्स ऑफ द कंपनी को सुपरवाइज करना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्टर कंपनी का मालिक नहीं है, कंपनी के मालिक है शेयर होल्डर्स, उन्होंने डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। डायरेक्टर को जैसे अपॉइंट किया वो ग्रुप में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 12th स्टैंडर्ड में डिवीजन ए डिवीजन बी है, मैथ्स डिवीजन ए एसपी डिवीजन बी है। सो जैसे ही अपॉइंट किया डायरेक्टर को, वो उसको बोल देंगे तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चला जा। पूरा 12th इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें एक एसपी एक अलग अलग डायरेक्टर्स होंगे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? जो बोर्ड का एक मेंबर है, एक पार्ट है, ठीक है ना। सो उसको अपॉइंट किया गया है टू रन दी कंपनी या टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ दी कंपनी। अब जो कायदे हैं डायरेक्टर को अपॉइंट करने के, वो सेक्शन 149 में दिए हुए हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि डायरेक्टर के कायदे क्या है। बहुत अच्छे तरीके से यहां पे दिया है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा ना। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अब रिलायंस कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी में एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर रह सकता है, मतलब रिलायंस एक मुकेश अंबानी को ही अपॉइंट, मुकेश अंबानी या दूसरे इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करेगा, बट रिलायंस महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकता। डायरेक्टर इंसान होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ओनली इंडिविजुअल पॉसिबल है अपॉइंट करने का। मीनिंग कंपनी के ऑडिटर हो सकता है ग्रुप हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसका अकाउंट चेक करने के लिए जो बाहर के संस्था को अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या पार्टनरशिप फर्म एबी पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है। लेकिन डायरेक्टर हमेशा इंसान, हमेशा इंडिविजुअल होगा जो कि डायरेक्टर का अपॉइंट, मतलब आप लोग डायरेक्टर के रूप में दूसरे कंपनी को अपॉइंट नहीं कर सकते, एसोसिएशन या पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते, सिर्फ एक इंडिविजुअल होगा। ऐसा एक तुम 5 अलग अलग इंडिविजुअल को अपॉइंट करो, मिस्टर ए, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक इंसान को आपने अपॉइंट किया है एज डायरेक्टर, मतलब कि डायरेक्टर कैनॉट बी अ कंपनी, डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडिविजुअल इंसान, मैन और अ वुमेन हो सकता है या हो सकती है। अब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के भी कायदे बनाए गए हैं। सो कायदे क्या है? अब सीधा हिसाब है, यहां से शुरू करो। ओपीसी, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, एक ही पर्सन है, वही मेंबर है, वही डायरेक्टर है। सो ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होगा। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए। और अच्छी बात ऐसा है कि मैक्सिमम नंबर 15 तक डायरेक्टर्स अलाउड है। कंपनीज एक्ट 1956 में 12 डायरेक्टर तक ही अलाउड था, और उसमें भी 13वां डायरेक्टर आपको चाहिए तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता था 13वें डायरेक्टर को अपॉइंट करना, मतलब एक्स्ट्रा डायरेक्टर को अपॉइंट करना बहुत कठिन था। कंपनीज एक्ट 2013 ने बहुत सिंप्लीफाई किया, गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं। कितने डायरेक्टर हैं मिनिमम? प्राइवेट के 2, अच्छा पब्लिक के मिनिमम कितने हैं? 3। सो ओपीसी का 1, प्राइवेट का 2, पब्लिक का 3, और मैक्सिमम 15 बोला है। यदि
आपको 16वां डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग बुलाओ, वहां पे जितने शेयर होल्डर्स है या शेयर्स है, 100 शेयर है तो 75% वोटिंग करवाओ, और वोटिंग में अपॉइंटमेंट होता है तो 16वां डायरेक्टर आ जाएगा। मतलब लिमिट जो मैक्सिमम है 15 डायरेक्टर का, आप 16वां डायरेक्टर को अपॉइंट के लिए गवर्नमेंट से परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। सो कैसे याद रखना है, ओनली ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर, मिनिमम ओपीसी 1, प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक कंपनी 3। याद रखना, कंफ्यूज मत करना। लोग क्या गड़बड़ी करते हैं मैं बताता हूँ, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर है, वैसे मेंबर्स में मिनिमम 2 है, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स शेयर होल्डर्स होते हैं। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में 7, 7 मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, उतने कम से कम लगते हैं, बट डायरेक्टर के तौर पर 3 कम से कम है। समझ में आया सबको? सो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर चाहिए शुरू करना है कंपनी को, लेकिन चलाने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं कम नहीं, बट ज्यादा का भी सर्किट सिर्फ 15 का है। 16वां डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है तो खुद डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, मीटिंग बुला के शेयर होल्डर्स का वहां पे फैसला लिया जाएगा। और एक और अच्छी बात है, प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। नाउ कंपनीज एक्ट 56 में वीमेन डायरेक्टर के बारे में कुछ कहा नहीं था। 2013 के कायदे में कंपनी में कितने भी डायरेक्टर रहे, 5, 6, 7, 10, एक वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कायदे से कंपलसरी है। उसके लिए भी सारे कंपनीज ने कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज दिया है उनको ही। और अभी जितने भी डायरेक्टर्स रहे, 3, 5, 7, 9, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स रहे, लेकिन इन 8, 10 या जितने भी डायरेक्टर है उसमें से कम एक डायरेक्टर चाहिए जो आधा साल, 182 डेज, मतलब आधा साल वो भारत में रहा हो। अब सीधा हिसाब है, आपको कंपनी चलाना है, आपके डायरेक्टर्स इंडिया के बाहर है, तो कंपनी कैसे चलेगा? इंडिया का सिचुएशन, माहौल, एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, वो तो डायरेक्टर को ही पता रहेगा। सो कायदा बहुत क्लियर है, जितने डायरेक्टर्स हो उसमें से एक डायरेक्टर कम से कम इंडिया में, उसका फिजिकल प्रेजेंस भारत में, भारत के मैप जो है उसके अंदर 182 डेज फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कैलेंडर ईयर नहीं बोला है, फाइनेंशियल ईयर बोला है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई भी एक डायरेक्टर ने भारत में, उन 1 अप्रैल से 31 मार्च, 365 दिन होते हैं, कम से कम आधा 182 डेज भारत में उसका प्रेजेंस होना चाहिए। और एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शुड हैव 1/3 ऑफ हिज डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अभी हम समझते हैं कि ये 1/3 क्या है। नाउ सपोजिटली 12 डायरेक्टर रहे तो 1/3 होगा 4, ठीक है ना, 4 इंडिपेंडेंट होगा। और एक और चीज बताता हूं, लिस्टेड, लिस्टेड क्या होता है। अभी सपोजिटली LIC कंपनी है, ठीक है ना, वो लिस्टेड नहीं है, उसके शेयर्स शेयर बाजार में बिकते नहीं है, तो इसलिए LIC पे पॉइंट नंबर 6 लागू नहीं होगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब जिसके शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं या नहीं। भारत में करीबन 7,000 कंपनीज है जिसके शेयर्स शेयर बाजार में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो वो कंपनी जिसके शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं, सीधा हिसाब है प्राइवेट लिमिटेड के तो शेयर शेयर बाजार में बिकेंगे नहीं, उसके 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब रहा सवाल इंडिपेंडेंट क्या है, तो हम देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, और नॉमिनी डायरेक्टर अदर है नहीं है। इन शॉर्ट बोलने का तात्पर्य है कि कैसे होता है, कंपनी क्या करती है कि जो डायरेक्टर्स है, अभी एयर इंडिया टाटाज ने टेक ओवर किया, तो वो लोग क्या करेंगे, एक अलग आदमी जो मे बी एयर इंडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, जो बाहर का हो, जिसके पास चलाने का एक्सपीरियंस हो, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसका कंपनी से डायरेक्टली संबंध ना हो। मतलब ऐसा बोलते ना, मुकेश अंबानी एक सक्सेसफुल कंपनी का डायरेक्टर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोला मुकेश अंबानी तू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के आ जा, तेरा एक्सपीरियंस काम में आएगा। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में रिलायंस का जो मुकेश अंबानी कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आया? सो 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट चाहिए, बाहर के होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अ पर्सन इज अलाउड टू होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनीज एट द सेम टाइम।
नाउ कायदा क्या बोलता है, तुम डायरेक्टर बनो, लेकिन एक आदमी से मुकेश अंबानी इज द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना, मुकेश अंबानी। सो व्हाट आई मीन टू से कि उन पर एक सर्किट है कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 10 कंपनी में वो डायरेक्टर रहेंगे और दूसरे कंपनी में +10, मतलब प्राइवेट लिमिटेड में हो सकता है। सो बोलने का तात्पर्य है, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप रह सकता है, लेकिन क्या 21st कंपनी अलाउड नहीं है? द आंसर इज नो। तो क्या वो काम करना चाहता है 21st में? तो क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं बताता हूँ। सो डायरेक्टर को मैं बताऊंगा, आप 21st कंपनी ज्वाइन करने से पहले पहले 20 में से कोई भी एक कंपनी में रेजिग्नेशन दो। सो 20 माइनस 1 हो जाएगा 19। फिर 21st कंपनी में डायरेक्टर बनो, सो 21st विल बिकम 20। तो कायदा टूटेगा नहीं, वरना उसको पेनल्टी बैठेगा इफ यू बिकम द डायरेक्टर इन द 21st कंपनी। सो एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है, जिसमें से 10 पब्लिक लिमिटेड और 10 दूसरे, दूसरे कुछ भी हो सकते हैं कंपनीज, बट 10 पब्लिक लिमिटेड का सर्किट दिया हुआ है। क्वेश्चन इज, डायरेक्टर कौन बन सकता है? इंडिया में डायरेक्टर बनने के लिए आपको दो चीज की जरूरत है। पहला, आप इंडिविजुअल हो, मतलब आप कंपनी नहीं हो, आप इंडिविजुअल हो, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, ये सब इंडिविजुअल है। और दूसरा, जैसे इनकम टैक्स का पैन कार्ड होना कंपलसरी है जो आदमी टैक्स भरता है, वैसे ही डायरेक्टर के लिए डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपलसरी है। यदि आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके लिए डिन नंबर कंपलसरी है। यदि आपको मुकेश अंबानी कितने कंपनी में डायरेक्टर है, आप गूगल करोगे तो मुकेश अंबानी कितने कंपनी में डायरेक्टर है वो पता चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए डिन नंबर कंपलसरी कर दिया गया है। बिना डिन नंबर के वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। सो आपको डायरेक्टर बनना है तो उसके पहले आप फटाफट डिन नंबर के लिए अप्लाई करो, और आप इंडिविजुअल चाहिए। एक कंपनी दूसरे कंपनी को डायरेक्टर नहीं बना सकता, एक इंसान इंडिविजुअल मैन और वुमेन को डायरेक्टर बनाया जा सकता है, बट कोई पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव या कंपनी या क्लब डायरेक्टर नहीं बन सकते। हाँ, कोऑपरेटिव खुद भी एक इंडिविजुअल को डायरेक्टर, वैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमिटी होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी डायरेक्ट मैनेजिंग कमिटी के लोग इंडिविजुअल होने चाहिए। तुम कंसल्टेंट्स के तौर पर कंपनी को मार्केटिंग का एडवाइस करना हो तो कंसल्टेंट्स किसी और कंपनी को अपॉइंट कर सकते हैं, बट कंपनी को मैनेज करने के लिए लोग लगते हैं, इंडिविजुअल लगते हैं डायरेक्टर। हाँ, ये 4-5 डायरेक्टर का ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, बट 4-5 जन जो पार्टनरशिप फॉर्म में है, उस पार्टनरशिप फॉर्म को आप डायरेक्टर नहीं बना सकते। इन सिंपल सी भाषा, डायरेक्टर शुड बी एन इंडिविजुअल, ही शुड हैव अ डिन नंबर, देन उसको अपॉइंटमेंट का पॉसिबिलिटी होता है। क्या सबको डायरेक्टर का मीनिंग और प्रोविजंस समझ में आया? यस और नो बोलो, यस और नो। आपका आवाज नहीं पहुंच पा रहा है, मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस देखने हैं पिछले चैप्टर के या आगे वाले चैप्टर के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और क्लिक करो 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिंक को, तो आपको सारे के सारे वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।